वेक्टर में हम लोगों ने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस कैसे निकालते हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, एंगल निकालना, प्रोजेक्शन निकालना, और दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, इन सारे वेक्टर्स के ऑपरेशंस और आधारित क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं लेक्चर पार्ट वन और लेक्चर पार्ट टू में। आज हम लोग देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट पे आधारित क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होंगे और उनको कैसे करना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करेंगे। यहाँ पे ध्यान दें, कुछ फार्मूले में ज़रूरत पड़ेगी। एक फार्मूला है ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर, तो इस फार्मूले को एक बार हम प्रूव कर देते हैं। जैसा कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। इस फार्मूले को हम लोग देख चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जब पढ़ा रहे थे। अगर ए डॉट ए लिया जाए तो बताया गया था कि कोई वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर भी ए है तो उनकी डायरेक्शन समान होगी, डायरेक्शन समान होती है उनके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर मॉड ऑफ ए कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो वन होता है, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर। तो अगर मॉड ऑफ ए स्क्वायर को ए डॉट ए लिखा गया है तो ए प्लस बी के मॉड ऑफ स्क्वायर को भी हम लोग ए प्लस बी का डॉट ए प्लस बी से कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको डॉट करें तो यहाँ पर ए डॉट ए, ए डॉट बी, बी डॉट ए और बी डॉट बी। ए डॉट ए को, ए डॉट ए को मॉड ऑफ ए स्क्वायर लिखा गया है तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ बी स्क्वायर, और मॉड ऑफ ए डॉट बी और बी डॉट ए कम्यूटेटिव है तो ए डॉट ए और बी डॉट ए कम्यूटेटिव हैं, इसलिए टू ए डॉट बी। और ए डॉट बी का फार्मूला हम लोग अभी देख चुके हैं। तो यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर आया मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर टू मॉड ऑफ ए मॉड बी कॉस थीटा। जब भी इस फार्मूले को लर्न करें और इस फार्मूले को जब भी अप्लाई करें, जब भी हम लोग शुरुआत में होते हैं, इनिशियल लेवल पर होते हैं, तो हम लोग जब भी मॉड ऑफ ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर फार्मूला लगाते हैं तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस टू मॉड ए मॉड बी लिख देते हैं, कॉस थीटा नहीं लिखते हैं। तो ये आदत जो हमारी है उसको हमें ध्यान देना होगा, उसको सुधारना होगा। यहाँ पर कॉस थीटा भी आएगा। तो इस तरीके से जितने भी फार्मूले हैं जो भी हमने अलजेब्रा में सीखे हैं वहाँ पर थोड़ा सा अपडेशन हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट पर बेसिस आधारित क्वेश्चन एक यहाँ पर लिया गया है। सारे क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखते हैं, टू प्रॉपर वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एट राइट एंगल। तो आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से निकालना है। ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आंसर बनने वाला है वो हमें देखना है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉपर वेक्टर्स क्या होते हैं। एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, प्रॉपर वेक्टर्स या प्रॉपर वेक्टर। अगर हम प्रॉपर के आगे इम लगा देते हैं आई एम, तो इम प्रॉपर वेक्टर्स हो जाएगा, इन नहीं इम, तो इम प्रॉपर और प्रॉपर वेक्टर्स, प्रॉपर वेक्टर्स और इम प्रॉपर वेक्टर्स। वेक्टर विच आर नॉट नल और ज़ीरो वेक्टर, जो जीरो वेक्टर नहीं है, नल नहीं है, दैट इज़ इसका मतलब है कि उनका मॉडुलस ज़ीरो ना हो, नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। प्रॉपर वेक्टर का मतलब है नॉन ज़ीरो वेक्टर। तो सारे नॉन ज़ीरो वेक्टर प्रॉपर हैं। इम्प्रॉपर मतलब मॉड ऑफ ए उनका क्या होगा, ज़ीरो। तो नल वेक्टर्स जो भी होंगे जिनका मॉडुलस ज़ीरो है वो इम्प्रॉपर हैं, और प्रॉपर वेक्टर्स जो नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब भी ये अप्लाई करेंगे तो पहले मान लेंगे कि वो प्रॉपर हैं, मतलब जीरो नहीं है। एट राइट एंगल बताया गया था कि ए डॉट बी जब भी करेंगे तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और उनके बीच के एंगल का कोसाइन,
वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल होगा उसका कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब अगर थीटा पाई बाई टू है, इसका मतलब वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, एक दूसरे के लंबवत है, 90 डिग्री है। अब एक दूसरे के 90 है तो कॉसाइन, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, और जीरो का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू क्या आती है, तो यहाँ पर ए डॉट बी क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है कि नॉन ज़ीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या है, ज़ीरो है। इसको मानकर आपको इस एलजेब्रा को सॉल्व करना है। तो ए डॉट ए, ए डॉट बी अभी आप देख ही चुके हैं, बी डॉट ए वो भी हम कम्यूटेटिव है, तो जो ये होगा वही ये होगा, और बी डॉट बी, तो ए डॉट, ए डॉट बी अभी हमने यहाँ देखा, और ये कम्यूटेटिव है तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ए डॉट बी और बी डॉट ए ज़ीरो। ए डॉट ए को हमने पहले इनिशियली लेवल पर बता दिया था कि जब भी ए डॉट ए आएगा तो उसको मॉड ऑफ ए स्क्वायर लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे मॉड ऑफ ए स्क्वायर और बीच में क्या है, प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। तो बोर्ड पे जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग अभी लगाने का प्रयास करते हैं, जैसा कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, अभी उसको भी हम लोग देखेंगे और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हम ए के बराबर मानते हैं, टू ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर का मॉड का मॉड लिया गया। अब हमें फार्मूले जो लर्न है वो ए माइनस बी के मॉड का स्क्वायर, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। उसी से अगर हम चाहें तो एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं कि एम ए वैक्टर माइनस एन बी वैक्टर के मॉड का स्क्वायर। तो यहाँ पर एम स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस टू एम एन मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। जैसा कि अलजेब्रा में हम सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे प्रयास करेंगे। ध्यान में क्या रखेंगे कि जब भी यहाँ पे बाद में 2ab आएगा तो जैसे ही ab बनेगा तो ab वेक्टर में a डॉट b बन जाता है। जो अलजेब्रा में ab बनता है वेक्टर में a डॉट b बन जाता है, और जैसे ही a डॉट b को हम लोग ऑपरेट करेंगे तो मॉड a मॉड b cos थीटा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि अलजेब्रा का मतलब है कि एम ए माइनस एन बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर एलजेब्रा, और उसमें वेक्टर इंक्लूड हुआ तो वेक्टर एलजेब्रा बन गई। तो एलजेब्रा लगाना है वेक्टर के साथ, तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको स्क्वायर कर दें। तो यहाँ पर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर करेंगे तो फोर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस इसका दो गुना, तो फोर मॉड ए मॉड बी। हमने बोला कि ध्यान रखें जब लास्ट में ए बी आएगा तो कॉस थीटा आएगा। अब इतनी बात तक पहुँचे, अब इसके आगे बढ़ने के लिए हमें मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा की ज़रूरत है। तो यहाँ पर दिया गया है इन्फॉर्मेशन कि ए वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस बी आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि उनका मॉडुलस वन है। तो ये सारे वेक्टर का मॉडुलस क्या है, वन है। इसका 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 तीनों का मॉडुलस वन है। तो यहाँ से हमारी चीज़ें आसान हुई, हम यहाँ वन रख देंगे तो ये फोर हो जाएगा, ये वन हो जाएगा माइनस, यहाँ वन वन रखेंगे तो फोर कॉस थीटा। अभी भी हम इसको इवेल्युएट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास एंगल नहीं है। अब इस इन्फॉर्मेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर करेंगे तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं इसको हम वन करेंगे, इसका वन का स्क्वायर वन हुआ, यहाँ पर भी वन हुआ, टू वन इंटू कॉस थीटा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे इतना तो आप कर पाएंगे मुझे लगता है, माइनस वन बाई टू। आप चाहें तो सीधे आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो आपने यहाँ पे सॉल्व किया। तो आप देखेंगे कि ए स्क्वायर बराबर फोर प्लस वन माइनस फोर इंटू माइनस वन बाई टू। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस टू यहाँ पे आया, ए बराबर प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि मॉड है, जब भी आप रूट चढ़ाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, बट यहाँ पे प्लस लेंगे, मॉडुलस ऑलवेज इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे आएगा रूट
7, तो इसका मॉडुलस की वैल्यू हुई रूट 7, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने कंसीडर किया है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर, और इन वेक्टर के बीच में रिलेशन दिया गया, तीनों को ऐड किया जाए तो जीरो वेक्टर नल वेक्टर बन जाएगा, मतलब तीनों का एडिशन एक इम्प्रॉपर वेक्टर है। तो आपको बताना है कि ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल क्या होगा, वो एक दूसरे के किस एंगल पर इंक्लाइंड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। जनरली जब भी हम लोग वेक्टर में ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो जहाँ पर भी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का एडिशन देखा तो हमारे दिमाग में बनता है कि एक फॉर्मूला हमने देखा था, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के मॉड का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम लोग इस तरीके से देखते हैं, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ बी स्क्वायर, मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए। तो जब इस तरीके से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से लगाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का एडिशन जीरो वेक्टर दिया गया, जब उसके मॉड का स्क्वायर करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। और हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मॉड ऑफ ए बराबर वन है, बराबर मॉड ऑफ बी है और बराबर मॉड ऑफ सी है, क्योंकि तीनों वेक्टर क्या हैं, इंडिविजुअल यूनिट है, मैग्नीट्यूड वन है। तो यहाँ पर ये तो जीरो आ गया, ये भी वन आ गया, ये भी वन आ गया, ये भी वन आ गया, यहाँ पर ये भी सिंप्लीफाई हुआ। अब ए और बी के बीच का एंगल निकालना है तो ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वो कॉस थीटा इसके बीच का एंगल होगा। अगर यहाँ पे ऑपरेट करेंगे तो मॉड बी मॉड सी जो कॉस थीटा वो इसके बीच का एंगल होगा। बात समझ रहे कि नहीं, जब भी जहाँ पर भी डॉट होता है तो ये बात समझने का प्रयास करें कि डॉट होता है तो ये ए और बी के बीच का एंगल है, बी और सी के और सी और ए के। हमें यहाँ पता करना है ए और बी के बीच का एंगल, बी और सी और सी और ए के बीच का एंगल तो अभी पता ही नहीं है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कैसे लाएंगे, तो ये क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आपको समस्या में डाल देगा कि एक इसके बीच का एंगल नहीं पता था, इसका स्क्वायर पता करना है, तो इसको कैसे करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर नल, बात को यहाँ पर ध्यान देंगे। अब एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिया पूछा गया है। अब ये तीन तरीके से वो पूछ सकता था, अगर वो पूछता सपोज इसको इस तरीके से पूछता कि एंगल बिटवीन बी एंड सी, तो हम लोग क्या करते, ए और बी पूछा है तो जो करने वाले हैं, बी और सी के बीच में पूछा है तो जो करेंगे तो अपने आप वो सी और ए के बीच में हो जाएगा। तो अगर ए और बी के लिए पूछा है तो ए और बी को आप इसी साइड रखें और उसके अलावा माइनस सी को इधर कर दें। यहाँ पे बी और सी के लिए पूछा गया है तो बी और सी को इस साइड रखें और माइनस ए इस साइड कर दें। अगर सी और ए के बीच में पूछता तो सी और ए को इधर रखते और बी को उधर भेज देते। अब यहाँ पर आप दो वेक्टर अगर बराबर हैं, देखिए दो वेक्टर बराबर हैं तो उनके मॉडुलस। अब एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी हैं तो इम्प्लाइज करेगा कि उनका मॉड भी बराबर है। ओके, वेक्टर का मॉड बराबर है तो वो इम्प्लाइज नहीं करेगा कि वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर है। ये बात समझें कि वेक्टर बराबर हैं तो उनका मॉडुलस बराबर होगा, वेक्टर का मॉडुलस बराबर है तो ज़रूरी नहीं कि वो वेक्टर बराबर हों। तो ये बात ध्यान रखें, ये बहुत ही मतलब बेसिक सी बात है, बट हम हो सकता है कि पढ़ ये रखे हों, बता हम ये रहे हों और आप हमारे बताने पर ये समझ लें। हमने बोला कि सामने वाला क्या बता रहा होता है आप समझते क्या हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो आपको बताया ये जा रहा है, समझ आप ये रहे हैं तो ये फ़र्क है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर इसलिए कर पा रहे हैं कि वेक्टर्स इक्वल दिए गए हैं तो उनका मॉडुलस भी इक्वल होगा, ठीक है, तो उनका मॉडुलस इक्वल होगा। अब ये तो आपको पता ही है कि टू का मॉड और माइनस टू का मॉड बराबर है, मॉडुलस इसलिए लिया ही गया है कि नेगेटिव कंसीडर ना हो। तो
तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड मॉड ऑफ सी के बराबर हुआ। इसका स्क्वायर कर देंगे तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बराबर मॉड ऑफ सी स्क्वायर। अब हमें ये थीटा जो आया है, अगर ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर करते हैं तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, और यहाँ पर बी और सी के मॉड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर एंगल किसका लिया जाएगा, सी और बी का। तो ऐसे ही सी और ए के, तो इसलिए हमने क्या किया था, जिसके बीच में एंगल पूछा गया था उसको इधर रखा और बाकी उधर ले गए। तो अब यहाँ पर आपको बताइए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, ये वन हुआ, ये वन हुआ, ये टू इंटू वन कॉस थीटा बराबर वन हो गया। अब अभी आप ऐसे सॉल्व भी कर चुके हैं कि आपको माइनस वन बाई टू मिला था, तो थीटा अगर निकालना चाहें तो टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री का मतलब होता है 120 डिग्री। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मिसजज कर सकते हैं, इस तरीके से आप बढ़ सकते हैं और वो तरीका आपका लास्ट तक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेगा, ठीक है। मगर हम जब बार बार जब चीज़ों को क्या है स्मरण करते हैं तो उससे क्या होता है, हैं बोलिए, जड़ और मति, जड़ समझते ना क्या है, 20, और मति। अच्छा आपको ये बताया कि जो गणेश जी किस चीज़ के लिए हैं, बुद्धि और ज्ञान के लिए, बोलिए है, ज्ञान और बुद्धि में अंतर समझते हैं कि नहीं है, नॉलेज, नॉलेज तो सरस्वती माता दे की वजह से, नॉलेज क्या है, हाँ ज्ञान मतलब नॉलेज और बुद्धि मतलब इंटेलिजेंसी, क्या है, हाँ इंटेलिजेंट मतलब बुद्धि। अब ये दोनों चीज़ें जब होंगी तब आप वैभव होगा, मतलब प्रॉस्पेरिटी, दैट इज लक्ष्मी है, समझे कि नहीं। तो जब ज्ञान होगा जरूरी नहीं कि आपके पास वैभव हो, बुद्धि होगी तो भी जरूरी नहीं वैभव हो, जब दोनों होगी, समझे कि नहीं है, हाँ संतों के पास ज्ञान होता है तो बुद्धि नहीं लगाते हैं तो वैभव नहीं होता, ठीक है, समझे कि नहीं, बात समझे कि नहीं है। और राजाओं के पास, ऐसे लोगों के पास क्या था, है क्या थी, हाँ बोलो, वैभव से लेता कि ज्ञान तो संतों से लेते थे, रखते कि नहीं थे, हाँ ठीक। तो आपको क्या करना है, वैभव चाहिए कि ज्ञान की बुद्धि, क्या चाहिए था ये, है लक्ष्मी जी को चाहिए, हाँ लक्ष्मी जी मतलब दोनों को कॉम्बिनेशन है, तभी बीच में बैठा ली जाती है, कहाँ बैठी रहती हैं, हाँ हाँ समझे कि नहीं, हाँ तो पैसा तभी आएगा जब क्या होगा, ज्ञान हुआ तब नहीं आएगा, ठीक है, बुद्धि होगी तभी नहीं आएगा, हाँ दोनों होंगे, ठीक ओके। हाँ कहो, यही नहीं पता चला कि इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंसी और नॉलेज दोनों में अंतर गया है ना, है नहीं पता था ना, हाँ गुड मतलब एकदम बिल्कुल जीवन में बस क्या हरा हरा देखते, केवल बस क्या है, सुबह ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, बस जीवन में ये सोना है, उस तो जीवन ऐसे ऊपर उठ के ऊपर बढ़ो भाई, ठीक ठीक। तो हम लोग जब MCA करने जा रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेस करने जा रहे हैं, तो हम लोग ज्ञान के लिए नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट पर ही आधारित कंसीडर कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को आराम से सहज तरीके समझेंगे तो इससे और भी क्वेश्चंस इसी तरीके से, इसी टाइप के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। पहले से बताया गया कि आप जब भी ये कॉन्सेप्ट बताए जाएँ, क्वेश्चंस बताए जाएँ, तो उसके एक क्वेश्चंस के कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप किसी टेक्स्ट बुक को फॉलो करके उस टाइप क्वेश्चंस करिए। तो यहाँ पर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के एडिशन का मॉडुलस निकालना है, तो एक फार्मूला भी हमने रिपीट किया था, उसको दोबारा फिर से लिखते हैं, इसका स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर और प्लस
हाँ, जब भी फार्मूला लिखे जाएँ तो आप उसको रिवाइज करते रहें, फार्मूले लर्निंग और फार्मूला का प्रैक्टिस हमेशा करते रहें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब भी फार्मूले अप्लाई करते हैं तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन यूज़ होने वाली है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी अगर पता चल जाए तो उनका स्क्वायर पता चल जाए, उनका सम कर लेंगे। यूनिट वेक्टर दिए गए तो अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना आप समझ चुके हैं कि यूनिट का क्या मतलब होता है। अब किसी भी तरीके से हमें इस इन्फॉर्मेशन को, इस बॉक्स को फिल करना है। जब तक ये बॉक्स फिल नहीं होगा तब तक आप यहाँ के इसका रूट ले लेंगे, आंसर निकल आएगा। तो अब हमें ये बॉक्स की इन्फॉर्मेशन, ये स्टेप्स देने वाले हैं। अब हर स्टेप में एक पैटर्न है कि बी के अलावा, ए के अलावा बी और सी होता है, बी के अलावा सी और ए होता है। तो एक 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 स्टेटमेंट को हमने सॉल्व किया तो सारे का आंसर निकल जाएगा। वेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया था कि जब भी वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी हो, एक दूसरे के लंबवत हैं, तो ये इम्प्लाइज करता है कि ए डॉट बी बराबर ज़ीरो। इस बात को आप एज ए फार्मूला, एज ए मेन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरह याद करिए, क्योंकि बहुत बार यूज़ होता है। परपेंडिकुलर वेक्टर इम्प्लाइज करता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है। बाकी रीज़न इसको हम बार बार बता चुके हैं कि कॉस 90 ज़ीरो होता है। ऐसे यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी प्लस सी, तो तुरंत इसका इम्प्लाइज इम्प्लीकेशन यही होगा कि इनका डॉट करिए, ए का डॉट बी प्लस सी से करिए और वो ज़ीरो के बराबर बनेगा। तो जब आप इसको डॉट करेंगे तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बराबर ज़ीरो आ जाएगा। अब सारे स्टेप्स को तीन पार्ट में ब्रेक किया था, तीन स्टेटमेंट दिए गए, तो बारी बारी से अगर लिखा जाए तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी आया जब ए के साथ हुआ, अगर बी के साथ होता तो बी डॉट ए और बी डॉट सी आता, वो भी ज़ीरो होता, और सी के साथ हुआ होगा तो सी डॉट ए और सी डॉट बी बराबर ज़ीरो। अगर तीनों को ऐड करें तो ध्यान दें कि ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं, तो इनको एक बार लिखेंगे दो गुना कर दिया गया। बी डॉट सी और सी डॉट बी भी एक ही होते, कम्यूटेटिव हैं, बताया गया था कम्यूटेटिव हैं, और सी डॉट ए और ए डॉट सी भी, तो ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये सम क्या हुआ ज़ीरो। तो टू टाइम्स ज़ीरो है तो वन टाइम्स भी क्या होगा, तो ये वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो a प्लस बी प्लस सी के वेक्टर का मॉडुलस रूट थ्री के बराबर होगा, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो भी आपके दिए होंगे बुक्स में आप उसको कर लीजिए, ये क्वेश्चंस आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और इजी भी हैं। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट हमने लिखे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन थोड़ा सा अराइज हो सकता है। बात क्या बताई जाती है, आप किसको किस तरीके से लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर से होता है तो ज़ीरो है अगर, तो क्या इम्प्लाइज होगा, और ए वेक्टर बी के वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या इम्प्लाइज होगा। तो ध्यान दें, जब भी अगर दिया गया है कि डॉट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ ज़ीरो, तो ये इम्प्लाइज करता है कि वेक्टर ए ज़ीरो हो सकता है, नल मतलब इम्प्रॉपर हो, और वेक्टर बी नल हो, तभी ये अगर हो गया तब भी एक वेक्टर ज़ीरो हो गया तो उसका डॉट क्या होगा ज़ीरो, अगर ये हो गया तब भी क्या हो जाएगा ज़ीरो, दोनों चीज़ें हो गई तब भी क्या होगा ज़ीरो, और या एंगल उनके बीच में पाई बाई टू हो गया तब भी क्या हो जाएगा ज़ीरो, और पाई बाई टू एंगल होता है तो क्या इम्प्लाइज करता है कि वो दोनों वेक्टर क्या हैं। तो दो वेक्टर का डॉट अगर वो ज़ीरो है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परपेंडिकुलर ही है, दो वेक्टर का डॉट ज़ीरो है तो वो हो सकता है कि नल वेक्टर्स भी हों, तो ध्यान रखें। और दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो सीधा सा मतलब है कि उनके भी एंगल क्या है 90, और कॉस 90 क्या होता है ज़ीरो होगा, तो ए डॉट बी क्या होगा ज़ीरो होगा। तो ये ध्यान रखें, अगर ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा 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 कुछ भी हो सकता है, तीन बातें इम्प्लाइज करती हैं। टॉपिक के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को बेस बना के हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उसी
कॉन्सेप्ट के आधारित और उसी लेवल के क्वेश्चंस को पहले आप सॉल्व करेंगे। पहले से बताया जा रहा है कि क्वेश्चंस की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं उस टॉपिक का कंप्लीशन आपके लिए अधूरा ही है। आप कोई ना कोई एक अच्छी टेक्स्ट बुक अपने पास रखिए और उस टेक्स्ट बुक से बेस मान के हमारे कॉन्सेप्ट को और कॉन्सेप्ट के बीच में जो हम क्वेश्चंस जिस लेवल पे लेते हैं उस लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पे कलेक्ट करिए और लगाइए। यहाँ पे 7 क्वेश्चंस ए डॉट बी या स्केलर प्रोडक्ट पर आधारित हमने यहाँ पे दिए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप ऑब्जेक्टिव में बनाएं, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप करें, उनके आंसर्स में कोई डाउट हो, किसी तरीके से त्रुटि हो या कुछ भी आपको ऐसा लगे, ये क्वेश्चंस आप हमारे तक पहुँचा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे मीडियम हैं, फ़ोन कॉल नहीं करेंगे और व्हाट्सएप पे आप अगर मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा, आपको मायूसी मिलेगी। इसलिए आप क्या करें, जहाँ पर आप देख रहे हैं वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन है, आप वहीं पे कमेंट करिए, वहीं पे सोल्यूशन अगर होगा तो दिया जाएगा। आपके सारे एडवाइस और सारे फीडबैक को हम लोग जज करते हैं और आगे उसी तरीके से उसी पर रिक्वायरमेंट पर हम लोग कुछ ना कुछ आगे देते हैं। पढ़ने का तरीका भी बताया गया है कि आप प्लेलिस्ट में जाएं, उस टॉपिक का प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है, उसी में जाके ऑर्डर से आप पढ़ाई करें। जैसे ये थर्ड लेक्चर है तो इससे पहले आप 2 लेक्चर जो आपके दिए गए हैं वो आप इसको कंप्लीट करें। वेक्टर के काफ़ी सारे पार्ट काफ़ी बार दिया गया है तो ये वेक्टर एलजेब्रा एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं। उससे पहले वेक्टर दिया गया था तो उस प्लेलिस्ट को अलग क्रिएट किया गया, इसको अलग क्रिएट किया गया, तो इसको ध्यान रखें। आप सफल में अगर पढ़ेंगे तो आप परेशान रहेंगे, इसलिए पढ़ने का तरीका जो बताया जा रहा है, बार बार फोकस किया जा रहा है, उस पर ध्यान दें। आगे डॉट प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और उनके एप्लीकेशंस देखेंगे।